नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया आसाराम, आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराएगा, 11 साल में दूसरी बार मिली पैरोल। नरेंद्र मोदी आज स्वामी नारायण मंदिर में 200वें वर्षगांठ कार्यक्रम में वर्चुअली हुए शामिल। उन्होंने कहा, कुछ लोग समाज को जाति धर्म में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिलकर उन्हें रोकना होगा। खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के चीफ पन्नू ने नया वीडियो जारी कर अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की दी धमकी। एक मीडिया रिपोर्ट में इसका दावा किया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे कटोगे बयान का किया समर्थन। उन्होंने कहा, एकता का भाव सभी में होना चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं। अमित शाह ने दिया बड़ा बयान, कहा झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो जेएमएम गठबंधन के भ्रष्ट नेता जाएंगे जेल। बात करें शेयर बाजार की तो शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 9 अंक चढ़ा और निफ्टी 6 अंक फिसला। ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। आप बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में 3 दिन चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, नवयुक्ति विधायकों की होगी एंट्री। दरअसल आपको बता दें कि 15वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सत्र की जानकारी दी है। आपको बता दें, 3 दिन चलने वाले सत्र के दौरान 13 व 14 नवंबर को दो बैठकों के बाद तीसरी बैठक 18 नवंबर को होगी। दरअसल 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती और 16-17 को शनिवार रविवार के कारण अवकाश रहेगा। हरियाणा के सीएम सैनी का कहना है कि 13, 14 और 18 नवंबर को विधानसभा सत्र होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू के अभिभाषण से होगी। सत्र के दौरान कुछ बिल भी आएंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो सेशन को बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं मीडिया के सामने अपने महाराष्ट्र के दौरे को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि वह आज ही महाराष्ट्र दौरे पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार बनाएगी, लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा है। हरियाणा में सरकार की ओर से डीएपी खाद को लेकर कमी ना होने के कितने ही दावे किए जा रहे हो, लेकिन जमीनी स्तर पर दावों के सच साबित नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, किसानों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। हरियाणा के हिसार में डीएपी ना मिलने पर किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। आज किसानों ने हिसार में अनाज मंडी के सामने रोड जाम कर दिया, इससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तो वहीं इसके अलावा राज्य में कई जगहों पर किसानों में रोष देखने को मिला। प्रदेश के कई जिलों में डीएपी खाद नहीं आने पर किसानों ने कई रोड जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बताते चले कि इस समय धान की कटाई का सीजन चला हुआ है, वहीं जिन किसानों ने धान की कटाई कर ली है वो अब गेहूं की अगेती बिजाई पर लग गए हैं। गेहूं बिजाई की आवश्यकता को लेकर डीएपी की मांग बढ़ गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार गेहूं की बिजाई का कार्य 30 नवंबर तक चलेगा। ऐसे में किसानों को आवश्यकता अनुसार खाद उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है। हरियाणा के शहरी ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में अब शादियों का ट्रेंड बदल गया है। अब लोग गांव में शादी करने से पहले पूछते हैं कि गांव में 24 घंटे बिजली आती है या नहीं। मनोहर लाल ने कहा कि अब शादी के प्रस्ताव उन्हीं गांवों में आते हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है। दरअसल खट्टर ने ये बात नई दिल्ली में NHPC स्थापना दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में कही। वहीं केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान अपने पुराने दिनों को भी याद किया और कहा कि जब वे गांव में रहते थे तब बिजली नहीं आती थी। मनोहर लाल ने कहा कि बिजली शरीरी रूपी आत्मा है, जिस तरह आत्मा शरीर की जान है उसी तरह बिजली समाज की जान है। हरियाणा में 85% धान की फसल की कटाई होने से पराली जलाने का सीजन लगभग खत्म होने के कगार पर है। कृषि विभाग व हरियाणा स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में 50% के संभावित कमी आने के लक्ष्य का दावा किया गया है। सीजन 15 सितंबर से 10 नवंबर तक 56 दिनों में पराली जलाने के 922 के सामने आए हैं। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि अब तक पराली जलाने के मामलों में पिछले वर्ष के मुकाबले
51% की कमी आई है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की रवैया भी काफी सख्त रहा है। प्रदेश में पहली बार पराली जलाने पर किसानों की गिरफ्तारी और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री की कार्रवाई हुई है। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।